आतंकवाद का नाम जब जब लिया जाएगा तब तब पाकिस्तान का भी नाम सामने आएगा, क्योंकि इसकी जड़ें पाकिस्तान से ही हैं। पूरी दुनिया जानती है कि आज भी पाकिस्तान की सड़कों पर आसानी से आतंकी घूमते मिल जाएंगे। ये वो पाकिस्तान है जिसने भारत के जम्मू कश्मीर में जिहाद को जन्म दिया। ये वो पाकिस्तान है जिसने भारत में न जाने कितने आतंकी हमले किए, लेकिन नए भारत ने चुप रहना नहीं बल्कि जवाब देना सीख लिया है। जम्मू कश्मीर में तो सेना आतंकियों के लिए नासूर बनी हुई है, उन्हें खोज खोज कर मारा जा रहा है, जिसके बाद पाकिस्तान की फौज और ISI में दहशत का माहौल है और किसी अन्य तरीके से अब वो देश में आतंक फैलाने की साजिशें रच रहे हैं। मदरसों के जरिए पाकिस्तान भारत में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। वहां करीब 40,000 मदरसे हर साल बड़ी संख्या में आतंकी पैदा कर रहे हैं। यही नहीं, पाकिस्तान की कश्मीर नीति अब भी सेना के ही नियंत्रण में है और यही वजह है कि पाकिस्तान में कोई विशेषज्ञ आतंकवाद खत्म करने पर बात नहीं कर रहा। अमेरिकी थिंक टैंक बाल्टीमोर पोस्ट एग्जामिनर ने नई रिपोर्ट में ये दावे किए हैं। इस रिपोर्ट में नए पाकिस्तानी PM शहबाज शरीफ के बयान को सेना को खुश करने के लिए दिया रटा हुआ बयान बताया गया है। उन्होंने कहा था कि हम भारत से अच्छे रिश्ते चाहते हैं, लेकिन स्थायी शांति कश्मीर विवाद के समाधान के बिना संभव नहीं है। जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक पाकिस्तान कृषि आधारित देश है। उसके पश्चिमी हिस्से की जरूरत का 2/3 पानी कश्मीर की नदियों से आता है। उससे कानूनों का पालन करने के बजाय कश्मीर पर कब्जा करने की नीति अपनाई है। कश्मीर पर पाकिस्तानी हमले के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में मामला रखा था। उन्होंने पाकिस्तान को बंटवारे की प्रक्रिया नियमों के तहत पूरी करने और कब्जा किए गए क्षेत्रों से अपने सैनिक हटाने के लिए कहा था। रिपोर्ट के अनुसार सुरक्षा परिषद ने पाकिस्तान को गिलगित और अन्य हिस्सों से पीछे हटने को कहा, लेकिन पाकिस्तान इसे नहीं माना। 1956 के बाद से पाकिस्तान ने POK में धार्मिक और नस्लीय संतुलन बिगाड़ना शुरू कर दिया। पाकिस्तान का इकलौता साथी चीन बन गया है। चीन चाहता था कि भारत कश्मीर मुद्दे में उलझा रहे और तिब्बत और शिनजियांग में उसकी अवैध और गैर कानूनी गतिविधियों पर ध्यान न दे, लेकिन ऐसा हो ना सका। भारत अपनी पूरी सीमाओं पर पूरी तरह मुस्तैद है, साथ ही उसकी नजरें सीमा पर होने वाली घुसपैठ पर लगातार लगी हुई हैं। यही वजह है कि एक एक करके आतंकियों का खात्मा तो हो ही रहा है, दुश्मन पर पैनी नजर भारतीय सेना की बनी हुई है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।